Well, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि रेयर हेरिटेज इज़ जेन्यूनली अ वेरी रेयर स्टोर, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही यूनिक है. इट्स अ वन शॉप स्टॉप फॉर वेडिंग, ब्यूटिफुल ज्वेलरी, लवली क्लोथ्स, ट्रूजो शॉपिंग. यू कैन जस्ट कम हियर एंड एक्चुअली कम एंड बाय एवरीथिंग दैट यू नीड. और मेरे जो बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स हैं, आई होप आई विल बी गिफ्टेड देम. I think they're really stunning, and I love very Indian-looking jewelry. और इस store में बहुत ही अलग-अलग tradition की jewelry है. Whether it's very there's temple jewelry, there are other traditional Indian jewelry. So which woman doesn't like jewelry? So I think it's a great place to come and shop your heart out. Concept jewelry always go hand in hand. Tell us some piece of jewelry that you have and is your favorite. Well, I definitely say जो jewelry मुझे मेरी मम्मी से मिला है, तो जो इतने साल पुराना है उनके शादी के time से. So I think when I got gifted that, I think those are rare gems. And like I said, which girl, which woman doesn't like jewelry? And what about diamonds? Diamonds are your best friend. Well, definitely I'd say diamonds are a girl's best friend. Thank you so much. Thank you. Thank you. तो हर इंडियन ट्रेडिशन में बिलीव करते हैं, तो आई थिंक गरबा भी बहुत ही मज़ेदार डांस है, तो डेफिनेटली मैं गरबा में पार्टिसिपेट करूँगी. आने वाले प्रोजेक्ट क्या क्या है? हाँ जी, आने वाले प्रोजेक्ट क्या क्या है? देखिए, मुझे अलग अलग चीज़ें करना मैं पसंद करती हूँ. जैसे कि लास्ट ईयर मैंने एक बुक लिखा था, मैंने रेडियो भी किया है, फिल्म्स भी किया है. तो आई थिंक जो भी मुझे कुछ अलग से इंस्पायर करे, मैं वो चीज़ करना चाहूँगी. एंड डेफिनेटली मेरे बच्चे प्रायोरिटी है, तो जब मुझे ऐसे मौका मिलता है तो मैं करती हूँ, नहीं तो नहीं. या थैंक यू.